नीतीश कुमार से बड़े अच्छे संबंध आपके रहे हैं, हालांकि लोगों ने पूछा कि प्रशांत किशोर यहाँ पर आ रहे हैं तो उन्होंने कहा कि हमको कुछ इसमें नहीं करना। बीच में खबर आई कि आपकी मुलाकात भी होने वाली है लेकिन आप मिले नहीं। नहीं, देखिए नीतीश जी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, मैं यहाँ का सामान्य नागरिक हूँ, अगर वो मुझे बुलाएंगे तो मुझे जाकर मिलना ही पड़ेगा, अगर मैं न भी चाहूँ तो भी जाकर मिलना पड़ेगा, भाई मुख्यमंत्री हैं, मुझे मिलना जरूर था, उस दिन किसी काम से मैं फंस गया, मैं उसकी वजह से मिल नहीं पाया, आगे बुलाएंगे तो जाकर मिलेंगे। मेरा नीतीश जी से बहुत बेहतर संबंध है, मिलिएगा उनसे, व्यक्तिगत तौर पे मेरा कोई उनसे झगड़ा, कोई झगड़ा थोड़ी है, हम उनके साथ रहते थे, आप लोग तो देखे हैं, मैं उनके साथ रहा हूँ और मेरा उनसे बहुत अच्छा संबंध। आपको पार्टी से निकाल दिए? ठीक है, वो पार्टी से निकाल दिए, ये उनका प्रीरोगेटिव है। सीए एनआरसी के मुद्दे पे मेरे और उनमें मान लीजिए कि कुछ मत भिन्नता हो गई और उन्हें लगा कि भाई मैं पार्टी के फ्रेमवर्क के अंदर काम नहीं कर रहा हूं और मुझे ऐसा लगा कि मुझे उस फ्रेमवर्क में नहीं रहना है जहां पर कि मेरी बात सुनी नहीं जा रही है, तो उन्होंने निकाल दिया। वो ठीक है, वो उनका प्रीरोगेटिव है, मैं उसका सम्मान करता हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं। तो हम लोग पटना में घूम रहे हैं, पटना के बारे में कुछ बताइए। देखिए हम लोग मतलब क्या पटना कैसे? पटना के विषय में तो आप मेरे से बेहतर बताएंगे, मैं तो यहाँ पर मैं तो यहाँ पर 3 साल के बाद आ रहा हूँ, आप यहाँ रोज रहते हैं, आप बताइए कि पटना की बदला नजर आ रहा है कि नहीं आपको? भाई 3 साल में आप परिवर्तन आया? मुझे तो कोई ऐसा परिवर्तन नहीं दिख रहा है, अगर आपको दिख रहा है तो आप मुझे बताएं, संभव है कि मैं भीड़ में उस चीज को नहीं माप पा रहा हूँ, लेकिन अगर बिहार में कुछ बदला है तो ठीक है, अच्छा है, लेकिन जितनी चीजें बदलनी चाहिए, जितनी अच्छी चीजें होनी चाहिए, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि बिहार में कुछ नहीं बदला, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि कुछ काम नहीं हुआ, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि इन सब काम के बावजूद भी हम सबसे पिछड़े हैं, तो हमें कोई दूसरा रास्ता तलाशना पड़ेगा। सवाल तो सबके जेहन में, आपने भी जिक्र किया कि बिहार में, हालांकि पूरे देश में जाति के आधार पर कहीं ना कहीं चुनाव का असर होता है, मानते हैं ना आप इस बात को? पूरे देश में होता है, हर राज्य में होता है, बिहार में कुछ ज्यादा हो सकता है। कहा जा रहा है कि प्रशांत किशोर कैसे इसमें सक्सीड करेंगे, यहाँ तो पिछड़ा, अच्छी पिछड़ा, सवर्ण, दलित, इनको कैसे जोड़ेंगे आप? देखिए पहली बात तो ये है कि जाति समाज की एक सच्चाई है, बिहार में भी वो उतना ही बड़ा फैक्टर है जितना अन्य दूसरे राज्यों में। बिहार के बारे में ज्यादा लोग जो लोग राजनीति को और इस विधा को बहुत गहराई से नहीं जानते हैं, ये उनका एक सुपरफिशियल असेसमेंट है कि सिर्फ जाति के आधार पर ही वोट पड़ता है। मैंने जैसा अभी एग्जाम्पल देकर बताया कि भाई बिहार में अगर एक नेता जिसकी सबसे ज्यादा लोकप्रियता किसी भी सर्वे में, आप लोग भी जो सर्वे दिखाते हैं उसमें बताते हैं, वो नरेंद्र मोदी जी की है, सबसे ज्यादा वोट उनके नाम पर पड़ रहा है। नरेंद्र मोदी जी की जाति के तो कोई लोग बिहार में रहते नहीं है, तो अगर सिर्फ और सिर्फ जाति के नाम पर ही वोट पड़ रहा है तब तो नरेंद्र मोदी जी को एक भी वोट नहीं मिलना चाहिए बिहार में। इसमें सच्चाई है लेकिन ऐसी नहीं है जो लोग बताते हैं, ये एक सुपरफिशियल अंडरस्टैंडिंग है कि सिर्फ और सिर्फ जाति के आधार पर चुनाव लड़ा और जीता हारा जाता है।